नमस्कार मित्रों मित्रों आज पहली जनवरी 2021 का दिन है और 2020 को हम पीछे छोड़ के आए हैं, तो सबकी नज़र एक रामबाण इलाज यानी कोरोना वैक्सीन पर लगी हुई है। तो ये कोरोना वैक्सीन क्या है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के मन में सवाल खड़े हैं कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, साइड इफेक्ट्स क्या है और दूसरे तरह के सवाल हैं। आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज सूरत शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर विनोद शाह से हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे, जो काफ़ी सीनियर फैमिली फिजिशियन है सूरत में और सूरत में कोरोना एक्शन कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। तो मैं डॉक्टर विनोद शाह आपका स्वागत करता हूं और हमारे दर्शकों की तरफ से मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि ये कोरोना की वैक्सीन एक्चुअली क्या है और ये किस तरह से काम करती है, इसमें थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ में बताइए सर। थैंक यू नितिन भाई। जब वैक्सीन की बात आता है, नहीं वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है, उनको टीका भी बोला जाता है हिंदी में नितिन भाई, रसीकरण भी बोला जाता है। वैक्सीन शब्द ऐसी चीज़ है कि जो शरीर में जब जाता है, कहाँ इंजेक्शन के माध्यम से जाता है, कभी कभी पोलियो जैसी वैक्सीन की तो मुंह में उनके दो बूंद डालते थे, वो सबको मालूम होगा, कभी नेजल स्प्रे से नाक में उनका छिड़काव भी करते हैं। वैक्सीन से दिए गए सब्सटेंस को हम एंटीजन बोलते हैं। वो जो पदार्थ है, जो रोग है, रोग का थोड़ा सा कमजोर किया हुआ हर हिस्सा होता है का आर्टिफिशियली प्रोड्यूस है, वो शरीर में जाके और शरीर के हर एक कोष को संदेशा देता है कि बाहर का दुश्मन आपके पास आए, उनके लिए आप तैयारी चालू करो। तो शरीर उनके लिए एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडी इतने प्रमाण में धीरे धीरे बनती है, कभी महीने में सवा महीने में तैयार होती है। तो रोग का सामना करने के लिए अपना शरीर वो स्पेसिफिक एंटीजन वैक्सीन के सामने काम करता है, उनको हम पूरे वैक्सीनेशन बोलते हैं। कोरोना की जब बात करें तो कोरोना की हम लोग इतनी वैक्सीन मार्केट में आ गई, फाइजर का नाम पूरी दुनिया में लोगों को मालूम पड़ गया। फिर हम जब देख रहे हैं अपनी गर्व की बात है तो भारत की स्वदेशी वैक्सीन, न अभी 6 बजे का न्यूज़ है, अभी 6:35 हुआ होगा, अभी न्यूज़ हुआ भारत की कोविशील्ड वैक्सीन पुणे सीरम इंस्टीट्यूट में बनी हुई वैक्सीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों को देने के लिए मान्य किया गया है। हम सबको लिए गर्व की बात है, थोड़े ही समय में हम सबको वैक्सीन मिलने का चालू हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ विनोद भाई आपने दी कि गर्व की बात है, गर्व की बात भी है और खुशी की बात भी है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास एक और हथियार हमारे पास उपलब्ध होगा। तो ये जो आपने बताई है कि ये अलग अलग तरीके से वैक्सीन देते हैं, तो ये जो वैक्सीन आने वाली है या जो कोरोना की वैक्सीन अलग अलग प्लांट है, वो शरीर को हमको कैसे देते हैं, कितने समय में देते हैं, कितनी बार देते हैं, उसके बारे में जरा आप हमें बताइए। ऑलमोस्ट जो वैक्सीनों मार्केट में 8 से 10 वैक्सीन जो है, उनका हर एक का 2 डोज है, हर एक को 2 टाइम लेने की आएगी, पहले दिन और पहली इंजेक्शन लेने के बाद आइधर 21वें दिन और 28वें दिन पे 2 टीका लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इतना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर किया है उन्होंने कि आपको नोटिफिकेशन SMS से आ जाएगा, हमको जाने का है, कहाँ जाने का है, कितने बजे पहुँचने का, वो सब पता लग जाएगा। आधा घंटा हमको बैठना भी पड़ेगा इंजेक्शन लेने के बाद, हर एक सेंटर पे 100 पे 150 को देंगे और इतनी डिटेल ये लोग ने मेटिकुलस प्लानिंग किए हैं। वी रियली सैल्यूट टू अवर ऑर्गेनाइजर एंड टीम ऑफ सूरत एज वेल एज अवर स्टेट एंड कंट्री ऑल्सो। ये विनोद भाई, ये एक भी लोगों के मन में शंका है या सवाल है कि वैक्सीन किस तरह से मिलेगी। समझो मैं आज हूँ, मुझे चाहिए कि मुझे तुरंत प्रोटेक्शन मिल जाए, तो मैं ले सकता हूँ या गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग है कि पहले इनको मिलेगी या उनको मिलेगी पहले, इस तरह से कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने टाइम जो बोला ना कि काफ़ी प्लानिंग के साथ आया है, ये लोग इतने डिटेल में प्लानिंग कर रहे थे। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स जो तबीब है, जो डायरेक्ट कोरोना के पेशेंट के संसर्ग में आते हैं, उनको सबसे पहले देने का निर्णय किया। रियली इट मस्ट बी एप्रिसिएटेड, कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले देंगे, फिर पैरामेडिकल स्टाफ,
नर्सिस है, जो केमिस्ट है, उनके जो कुछ लगे हैं हॉस्पिटल में वो पूरा स्टाफ को देंगे। फिर जितने जो फ्रंटलाइन वर्कर्स आते हैं अपना कॉरपोरेशन के आएंगे, पुलिस के कर्मचारी आएंगे, बाकी जो जो लोग उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो लोग उनको प्रायोरिटी नक्की किया है। और 50 साल के ऊपर के जितने मरीज हैं उनका लिस्ट अपने कॉरपोरेशन ने, मैं जहाँ तक सूरज की बात करता हूँ, ये लोग ने कंप्लीट कर दिया है। नॉट ओनली डेट, उनके साथ जो कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी ऑलमोस्ट 55 साल के ऊपर के जो पेशेंट में, व्यक्ति में डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, जो कोई कैंसर की दवा ले रहा है, कीमोथेरापी ले रहा है, किसी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, और कोई भी चीज जिसने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मेडिसिन पे, सबको पहले लिस्ट में प्रायोरिटी मिलेंगे। तो ये, और उसके बाद फिर जनरल पब्लिक का भी, बाद में जनरल पब्लिक को, ये उम्र का भी कुछ है कि छोटे बच्चों को या बड़े को देना है या नहीं देना है, ये कौन से एज के बाद के बच्चों को मिलेगी ऐसा कुछ? अभी देखो वैक्सीन की जितनी ट्रायल हुई है वो 18 साल के ऊपर ही ट्रायल किया है, अभी तक का तो जो प्लानिंग है वो 50 साल के ऊपर के लोगों को देने का है, फिर 50 साल के नीचे जाएगा, फिर 18 से 50 मिलेंगे, आगे का प्लानिंग का मुझे पर्सनल बच्चों के, ये 18 से साल से नीचे के बच्चों की प्लानिंग ऐसे होगा भी उसमें कम होता है, इसलिए उनको अभी इतनी प्रायोरिटी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हमने ये जाना मित्रों कि ये वैक्सीन हमें कम मिलेगी, हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी असर कब आएगी। हमने आज वैक्सीन ले ली तो क्या हम तुरंत उसके से उसे प्रोटेक्शन मिल गया हमको, या सेकेंड वैक्सीन हम नहीं लें तो क्या होगा, या पहला वैक्सीन नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये सब सवाल भी हम जरा जानते हैं कि वैक्सीन हम जो पहला डोज लेंगे और आप 21 दिन के बाद या 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेंगे तो कब से हमको प्रोटेक्शन मिलेगा और कब तक हमारा प्रोटेक्शन उनसे मिलने वाला फुल प्रोटेक्शन हमको मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा है, सामान्य जनमानस में वैक्सीन के लिए इतना सवाल चल रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं नहीं लेने का, जब मेरे पास ऑप्शन दिया जाता है पहला डोज गवर्नमेंट आपका SMS आ जाएगा तो आपको लेने का है। सपोज आप भूल गए तो दूसरे तीसरे दिन आपको ये लोग बुला लेंगे शायद, फिर 21 दिन के बाद दूसरा डोज लेने का आएगा, वो लेने के 10 दिन के बाद टोटल आपको 38 डेज के बाद एंटीबॉडी शरीर में चालू होती है। दिस ऑल वैक्सीन आर वॉलंटरी, दिस इज नॉट कंपल्सरी। पर नितिन भाई एक ऐसी मैं बात सोचता हूँ मेरे दिमाग में जब से वैक्सीन आई, एक कोरोना ऐसा अननोन डिजीज है जिसकी कोई अभी तक फाइनल रेमेडी नहीं हुई कि भाई ये ले लो और आप ठीक हो जाएंगे, ये कुछ नहीं दवा लेते हैं हम सब ठीक हुए, काफ़ी अच्छी मेडिसिन मिल गई, और एक उनके सामने चौकस वैक्सीन आई है कोरोना वायरस से ही बनाई के, जो उनके सामने 1 महीने के बाद हमको प्रोटेक्शन देने की शुरुआत होगी, 100% डॉक्टर विनोद शाह विल गो एंड प्रीफर वैक्सीन। अरे मैं पहला आदमी हूँगा कि मैं वैक्सीन लूँगा। मैं हरेक आदमी और देखने वाले दर्शक को एक विनंती करता हूँ, अपील करता हूँ, आपका भी जब टर्न आएगा तो आप भी वैक्सीन जरूर लेना। तो मित्रों ये जो मन में यदि आपके सवाल खड़े हो रहे हों कि वैक्सीन हम नहीं लेंगे या हम वैक्सीन लेने की क्यों ज़रूरत है, या वैक्सीन लेते हैं हम दूसरे दिन से प्रोटेक्शन पूरा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 40-45 दिन के बाद आपका प्रोटेक्शन, आपको जितना उसका 90-95% मिलना शुरू होगा वो मिलेगा, और सबको वैक्सीन लेनी है वो मिले। ये तो हमें उसकी बात करी विनोद जी इफेक्ट की, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जो जिसके कारण शायद सबसे ज़्यादा लोगों के मन में शंका है कि साइड इफेक्ट्स या तो बहुत ज़्यादा होंगे जो हम नहीं लेना चाहते, या हम पहले नहीं लें, पहले कोई और ले लेंगे फिर हम थोड़ा समय देख लेंगे, तो ये साइड इफेक्ट्स के बारे में आप जरा हमें बताइए सर। कोरोना वैक्सीन की साइड इफेक्ट होगी वो मामूली, पर एज फार एज आई नो जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है तो सामान्य जो शरीर का दुखावा, माइल्ड टेम्परेचर, थोड़ा सा हल्का सा बुखार, जहाँ वैक्सीन लिया है वो जगह पे दुखावा, सोरनेस, हाथ शायद भारी हो सकता है, वो सब 24 आवर्स तक रहता है, कभी वो बात लाल हो जाता है कि खुजली आ जाती, पर अभी ऐसी कोई सीरियस साइड इफेक्ट अभी तक जो कुछ ट्रायल किया है उसमें देखा नहीं गई है, मतलब कोई वैक्सीन की साइड इफेक्ट है नहीं, मेजर साइड इफेक्ट आता है।
तो मित्रों ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये कोरोना की कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। यदि जो माइल्ड साइड इफेक्ट्स बताई है वो भी सब में नहीं होगी, किसी किसी में शायद हो सकती है। तो इसके लिए आप जैसे सर ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट आपको अपने को गाइडलाइन देती है समय समय पर, हमारे न्यूज़पेपर में आती है या हमारे चैनल पर आती है, उसको देख के और उसके हिसाब से आप फॉलो करिए, क्योंकि वो गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट की जो हमारे मीडिया के अंदर आती है वो उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल पाएगा। तो सबको लेनी है और साइड इफेक्ट्स के बारे में आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। विनोद भाई, इसमें एक ये सवाल खड़ा होता है कि जिसको कोरोना हो गया है उसको भी लेनी है, जिसको पॉजिटिव हो गया, खाली पॉजिटिव हो गया, बीमार नहीं हुआ, या फिर बीमार भी हुआ और उसने पूरा ट्रीटमेंट कराया है, तो उसका क्या स्टेटस होगा? जो जिसको कोरोना हो गया उनको पहले तो लेने की है, तो 2-3 महीने के बाद ले सकते तो अच्छा है, क्योंकि कोरोना की जो स्ट्रेन से उनको कोरोना हुआ है ना, उनके सिवाय भी काफ़ी स्ट्रेन से इधर उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, इसलिए कोरोना वैक्सीन उनको भी लेनी चाहिए। आपने एक बहुत अच्छा सवाल आपके जवाब में एक सवाल हमारे लिए खड़ा किया है कि जो आपने बोला कि कोई नई स्ट्रेन आई है, जो म्यूटेशन अभी हम जो सुन रहे हैं कि ब्रिटिश स्ट्रेन है, तो ये क्या ये इससे भी हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, और क्या भविष्य में कुछ नया स्ट्रेन आएगा तो इसी से मिल जाएगा, या उसके लिए कुछ नया चेंजेस उसमें करके हमें देंगे? अभी अभी जो बात आई है कि नई स्ट्रेन जो ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम वहाँ की कोरोना में से जो इन्फेक्टेड लोग आए हैं वो स्ट्रेन इनके ज़्यादा इन्फेक्शन करती है। वो बाजू जो अपने वैज्ञानिक है जो वैक्सीन बना रहे हैं, इन लोग ने बोला इतना म्यूटेशन नहीं बोला। मैं एक आपको छोटी सी बात देता हूँ कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है ना, हमको हर साल लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका म्यूटेशन तो वायरस झड़प से चेंज होता है। तो हर साल मार्च में लोग नक्की करते हैं WHO कौन सी स्ट्रेन का बनाने का है वैक्सीन, फिर वो स्ट्रेन पे ये लोग वैक्सीन बनाते हैं। इधर अभी तो 99% एश्योरेंस है, हम श्योर है कि ये कोई भी स्ट्रेन है अभी कोई जो वैक्सीन बनी है उनसे कवर होगी, उनसे हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मित्रों ये आपको हमें समझना चाहिए कि जो म्यूटेशन हो रहे हैं उसका भी सरकार और जो बनाने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियाँ हैं और जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो पूरा ध्यान रख रही है, और जैसे भी जरूरत पड़ेगी उसके अंदर वो शायद वो अपने जो भी चेंज करने होंगे वो भी करेंगे, पर जो भी अवेलेबल गवर्नमेंट हमें देती है वो हमें उसको हमारे वैक्सीन लेना है और उसको हमें कोरोना से प्रोटेक्शन लेना है। विनोद भाई, ये तो कोरोना से प्रोटेक्शन तो हो गया, हमें समझो हमने वैक्सीन ले लिया, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि कोरोना से वैक्सीन लेने के बाद पूरी दुनिया वापस 2019 जैसी हो जाएगी? कोई मास्क नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, सैनिटाइजर नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, क्या मैंने वैक्सीन आज ले ली या मैंने सेकेंड वैक्सीन भी हो गया उसके बाद मैं फ्री हो गया समाज में पूरा पहले के जैसा करने के लिए? ये नितिन भाई एक बहुत पेचीदा सवाल है। 1 साल का बच्चा हुआ है कोरोना, अभी हमारे साल 18 साल का एडल्ट पुख्ता नहीं, एडोलेसेंट 13 साल का भी नहीं हुआ है, कई क्वेश्चंस इतने पीछे पड़े हैं। अभी ये मोमेंट पे हर एक व्यक्ति को मास्क पहनना ही चाहिए, कंपलसरी पहनना ही पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस सोशल 2 गज की दूरी रखनी ही पड़ेगी, सैनिटाइजर का उपयोग करेगा, तो हमको जो 100% सिक्योरिटी चाहिए ना वो मिलती है, क्योंकि 1 साल के बाद अभी 2021 के एंड में पता लगेगा कि भाई हर साल लेना पड़ेगा शायद, या कभी 2 साल के बाद लेने पड़ेंगे, धीरे धीरे सबको पता चलेगा। तो अभी पहले 6 महीना तो जरूर हम सावधानी से काम करेंगे, और बाद में हमको रिलैक्सेशन मिलना है तो गवर्नमेंट का जो है रूल्स रेगुलेशन आ जाएंगे कि भाई आप आराम से घूमो, गवर्नमेंट भी सोचती है कि पूरा मुक्त लोगों हेरफेर कर सके हेराफेरी। तो मित्रों ये कोरोना वैक्सीन आप लें या नहीं लें, मतलब जब तक आपको मिलेगी उससे पहले या उसके बाद भी ये ध्यान आपको रखना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये पूरा कोरोना केयर अपने करनी है वो हमें बाद में भी करनी है और वैक्सीन लेने के पहले भी करनी है। यदि कुछ अलग गाइडेंस आएंगे लेने के बाद या फिर कोरोना ख़त्म होने की तैयारी में होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें जिस तरह से पिछले पूरे साल हमें अच्छी तरह से गाइडेंस मिला है वो भी हमें मिलता रहेगा और हम उसको फॉलो करेंगे। पर ये आप सबको ध्यान रखना है कि वैक्सीन ज़रूर लेनी है कोरोना से बचने के लिए, जो हम अभी तक केयर रख रहे हैं वो हमें अभी तक लेने हैं, हम फ्री हो गए या मुक्त हो गए ऐसा सोच के हमें आगे बढ़ना नहीं है। म्यूटेशंस या कुछ भी चेंजेस यदि आते हैं कोरोना में तो गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसका पूरा ध्यान रख के हमें देगी,
तो हमारे पास जब भी गवर्नमेंट, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, गवर्नमेंट जब भी हमें अवेलेबल कराएगी हमें वो लेना है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सवालों के हमारे पास जवाब मिले हैं, और आपको यदि और भी कुछ सवाल इसके बारे में हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसके जवाब ढूंढें और उसके जवाब देने की कोशिश करें। विनोद सर, आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा इसके वैक्सीन के बारे में गाइडेंस दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक मित्रों की तरफ से और हमारी तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू।